सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। लास्ट वीडियो में अपन ने रेंज के बारे में देखा था, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर के टॉपिक। अब थर्ड है आपका मीन डेविएशन ऑन एवरेज डेविएशन, यानी माध्य विचलन, जिसको अपन एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। समांक श्रेणी के किसी सांख्यिकी माध्य, जो कि मध्य का माध्य और बहुलक से निकाले गए विभिन्न मूल्यों का समांतर माध्य, उस माध्य विचलन कहलाता है। यानी कि आप मध्य का समांतर माध्य और बहुलक से, यानी कि मोड से जो वैल्यू निकाली है उसके आधार पर माध्य विचलन निकाला जाता है, यानी डेविएशन निकाला जाता है, उस श्रेणी का क्या होगा, माध्य विचलन कहलाएगा। एक ऐसा मूल्य है जो किसी श्रेणी के माध्य के विभिन्न मूल्यों के औसत विचलनों को प्रकट करता है। पदमाला के अपकिरण फैलाव उतना ही अधिक होता है। इस मेन डेविएशन निकालते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहले आपको माध्य का चुनाव करना है, यानी कि आपको जो माध्य निकालना है, माध्य अर्थमेटिक मेन से निकालना है, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, ठीक है। बीजगणितीय चिन्हों की अपेक्षा, अब जब अपन डेविएशन निकालेंगे डी, जो कि एक्स माइनस ए होता है, तो जो अपन निकालेंगे उसमें प्लस और माइनस के चिन्हों को इग्नोर कर देंगे। अपन प्लस में चिन्ह आएंगे या माइनस में आएंगे, अपन को हमेशा प्लस में मानेंगे उसको। उसके बाद विचलनों का माध्य निकालेंगे, क्योंकि जो जिस माध्य से अपन ने डेविएशन निकालेंगे उसका भाग देखकर उसको डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद अगर अपन को कोफिशिएंट निकालने हैं, गुणांक निकालने, तो गुणांक भी निकाले जाएंगे, जो कि उसका फॉर्मूला आपके कहें कोफिशिएंट मीन डेविएशन। अगर मीन डेविएशन निकाला है तो जो माध्य निकाला है, जिस माध्य से निकाला है, उसी का अगर अपन भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे उसी, तो वो क्या आ जाएगा, उस माध्य का मीन डेविएशन आ जाएगा, जो कि कोफिशिएंट में होगा, गुणांक के रूप में होगा, जो कि सापेक्ष नाप होता है। अब इंडिविजुअल सीरीज में अपन आपका मीन डेविएशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो आपका फॉर्मूला है मीन डेविएशन बराबर दो आडी लाइन है, जिसको अपन मॉडुलस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा, और इसके बीच में निकालेंगे अपन डेविएशन अपॉन एन। अब इंडिविजुअल सीरीज हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। अगर कंटिन्यू डिस्क्रीज हो जाता तो इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी का योग आएगा। तो जो डी होता है, जो माध्य से विचलन लेंगे, पहले अपन माध्य निकालेंगे, जो कि समांतर माध्य हो सकता है, मध्य का हो सकते हैं, बहुलक हो सकते हैं। उसके बाद अपन डी निकालेंगे, जो कि प्लस और माइनस को छोड़ते हुए निकालेंगे, यानी डेविएशन प्रॉफ द मेन और मीडियन इग्नोरिंग साइन, यानी प्लस और माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जो डेविएशन निकालेंगे उसमें मधु की संख्या या एन का भाग दे देंगे, और जो प्राप्त भाग बल होगा वो जो कि मेन डेविएशन कहलाएगा। तो जो फॉर्मूला है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सीरीज का, वो अगर समांतर माध्य से निकाला है अर्थमेटिक मेन से, तो जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, और कोफिशिएंट होगा जो इस प्रकार होगा। यानी जो ये चिन्ह हैं, ये इस प्रकार के चिन्ह को मेन डेविएशन बोला जाता है, और वो वैसे बोले तो स्मॉल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब भी होता है मेन डेविएशन। और जैसे डी जेड निकालेंगे तो जो मोड के द्वारा निकालेंगे वो डेविएशन होगा। अगर डी एक्स बार है तो मीन के द्वारा निकालेंगे, यानी समांतर माध्य के द्वारा निकालेंगे। और डी एम हो गया, इसका मतलब जो डेविएशन निकालेंगे वो मीडियन यानी मध्य का से निकालेंगे। अब इसमें ये कहा गया है कि यदि प्रश्न में माध्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए, यानी किस माध्य से मीन डेविएशन निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, मीडियन से निकालना है, क्योंकि इसका मान सरल होता है। आप पहले क्या निकालोगे, मध्य का निकालोगे, उसके बाद मेन डेविएशन निकालोगे। यानी कि जहाँ तक आपको मेन डेविएशन नहीं आएगा, आपको जहाँ तक अर्थमेटिक मीन नहीं आएगा, मीडियन नहीं आएगा और मोड नहीं आएगा, जहाँ तक आपको मेन डेविएशन नहीं निकाल सकते हैं।
यानी आपको एक्स बार निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको मोड निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले इन मीडियंस को निकालेंगे, उसके बाद ही आपको मीन डिविजन निकालेंगे। ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। 10 दुकानों पर किसी एक प्रकार की रेडियो की कीमत इस प्रकार है, ठीक है। एक 10 प्रकार की दुकानें, अलग अलग रेडियो की कीमतें, उनका आपको मीन डिविजन निकालना है और उनका कोफिशेंट भी निकालना है। एक्स का मान आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको सारणी में यहाँ पे रख देंगे। अब सबसे पहले अपना क्या काम है, सबसे पहले अपन मीन ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन को उसी से निकालना है। तो एक्स का उसका मान क्या है, अब अपन को इसमें किसी से भी निकाल सकते हैं। इसमें नहीं बोल रखा आपको एक्स बार से निकालना है, मीडियन से निकालना है या बहुलक से निकालना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में दे रखा है मीडियन से निकालना है, क्योंकि आपको नोट भी दिया हुआ था कि आपको नॉर्मली एम से निकालना है, क्योंकि सरल पड़ता है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको एम ज्ञात होगी। अब एम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता हो तो जो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, इसी ये मध्य का ज्ञात होगी। तो एन कितना है, 10 है, 10 प्लस एक अपॉन टू, तो 5.5 आएंगे। तो 5.5 आएंगे, तो 5 का मान कितना है, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 5 और 6 यानी कि 225 और 236 ये दोनों आ गए। तो इनको जोड़कर जब 2 का भाग देंगे तो आपकी मीडियन आ जाएगी, जो कि 230 आएगी, ये चीज़ आएगी। उसके बाद अपन निकालेंगे मीन डिविजन, जिसका फॉर्मूला है मॉडुलस डी अपॉन एन। डी का मान कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या आया, एम कितना आया, 230। तो एक्स माइनस एम जो डेव से निकालेंगे, वो निकालेंगे एक्स माइनस एम, एम का मान कितना आ गया, 230। 230 में से लेस करते चलेंगे एक्स का वैल्यू, तो 20 10 ये डेव से निकालेंगे, तो टोटल सिग्मा डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170। जब 170 आ गया तो डी का मान कितना आ गया आपके पास, 170। ये तो फॉर्मूले में मान रख देंगे अपॉन एन, तो 170 अपॉन 10, तो उसका मान आ जाएगा 17। इसी प्रकार ये कौन सी सीरीज का है, ये समांतर माध्य से आपको, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको समांतर माध्य से मेन डिविजन निकालना है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपको जब x और f दोनों दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य से आप मेन डिविजन निकालेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू लिख दी आपने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख दी, फिर सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि x बार का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 98, और सिग्मा एफ कितना है, n 60। तो जो x बार का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6। अब 6 जो मान आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे और x माइनस एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि x बार का मान कितना आ गया आपके पास, 6। तो उसके बाद से डेविएशन निकालेंगे, जब डेविएशन निकालेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी को इससे गुना करेंगे तो f डी एक्स हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है आपका मेन डेविएशन का, वो मेन डिविजन जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह द्वारा एफ अपॉन डी इंटू सिग्मा एफ, या फिर आपके पास कैपिटल एन भी लिख सकते हो। और अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे तो इसका मान अपन के पास 24 आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड एन कितना है, एन 16 है, यानी कि सिग्मा एफ कितना है, 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ये कितना आ जाएगा, मेन डिविजन किसका, डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें एक्स और एफ का मान दिया होगा। अब ये है आपके पास, ये भी आपकी डिस्क्रीट सीरीज का है, यानी सिग्मा एक्स और एफ का मान दिया हुआ है। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा हुआ है, माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है, माध्य विचलन और गुणांक, यानी मीन डिविजन और कोफिशिएंट दोनों ज्ञात करने हैं। कुछ भी दे रखा है, तो सबसे पहले अपन मीडियम निकालेंगे। मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास दो ही फॉर्मूले आएंगे कि एम बराबर क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी दी होगी तो उसके लिए आपको सी एफ ज्ञात करनी होगी, ठीक है। जो मान आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा, तो 25 से ठीक बड़ी सी एफ,
तो कितनी हो गई, 26। 26 के सामने की वाली वैल्यू 7.5, तो क्या आ जाएगा, मीडियन का मान आ गया। मीडियन का मान जब डेविएशन निकालेंगे तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस एम, तो एम का मान आ गया 7.5। तो 7.5 से एक्स का लेस करते चलेंगे तो डेविएशन आ जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी से इसको करेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। एफ डी का मान कितना हो गया, 111 डिवाइडेड सिग्मा एफ या कैपिटल एन, कितना हो जाएगा 50। तो मेन डिवीजन का मान कितना आ जाएगा आपका 2.2। यहाँ पर अब कोपिशेंट में निकालना है, तो कोपिशेंट में निकालने के लिए जिस माध्य से आपने मेन डिवीजन निकाला है उसी माध्य से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो जो फॉर्मूला का होगा वो मेन डिवीजन, अब जिससे भी निकाला है मेन डिवीजन को, जैसे समांतर माध्य से निकाला तो इसको इससे भाग देंगे, मीडियन से निकाला तो इसका देंगे, बहुलक से निकाला तो अभी किससे निकाला, मीडियन से निकाला, मीडियम का भाग देंगे तो 2.22 अपॉन मीडियम कितना था 7.5, तो कितना आ जाएगा 2.296। अब ये दे रखा है आपको डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी जिसमें वर्गंतराल और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, ये वर्गंतराल फ्रिक्वेंसी। इस तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन सबसे पहले मीडियन ज्ञात करेंगे, इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो अपन मीडियन से ज्ञात कर, इसमें अगर साफ साफ बोल देता कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है या फिर बहुलक से निकालना है तो उसी के आधार पर निकालते, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो अपन मीडियन से निकाल लेते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मीडियन निकालोगे, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, वर्गंतराल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले आपके पास क्या निकालता है, वर्ग निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे कि कौन सा मध्य का वर्ग होगा। तो सबसे पहले n अपॉन 2, ठीक है, तो n का मतलब टोटल सिग्मा f यानी सी एफ का टोटल 100 हो गया, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो 50 से अधिक वाली वैल्यू, तो अपन सी एफ में देखेंगे 50 से अधिक कितने 63, तो 63 के सामने वाली जो बहुलक वर्ग होगा वो हो जाएगा, तो वो कौन सा है 50 से 60, तो ये वाला बहुलक वर्ग होगा। तो जो फॉर्मूले का मान लगेगा m बराबर L1 प्लस m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें बुक में ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो L मीन्स कितना हो गया, जब 50 से 60 वाली वैल्यू आई थी तो L1 बराबर कितना हो गया 50, ठीक है, m का मान आपके पास कितना आ जाएगा, स्मॉल m का मान आ जाएगा 50, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे निकाल दिए 50 से 60 वर्ग के सामने वाला x की वैल्यू। उसके बाद जो सी एफ आएगी 63 है, तो इससे ऊपर 38 क्या हो जाएगी आपकी संचय वारंवारता, और i की इसके इनमें दोनों का अंतर है तो वर्ग विस्तार कितना हो जाएगा 10। फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे मीडियन बराबर 50 माइनस, तो जो मान रखेंगे L1 कितना था 50 था आपका, प्लस M कितना था 50 था, माइनस C कितना हो गया था आपके पास 38, उसके बाद सिग्मा F कितना हो गया 100 और I का मान कितना था 10, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो I की वैल्यू आ जाएगी 12.948। लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन भी दिया हुआ है, तो ये किससे निकाला था, मेन डेविएशन जिस माध्य से अपन निकालेंगे मीडियम से निकाला उसी का भाग देंगे, मेन डेविएशन का मान था, मेन डेविएशन का मान था आपका 12.948, किससे निकाला था, मीडियम से निकाला था, उसका मान कितना था आपके पास 54.8, तो जो मान आएगा वो 0.323 आएगा। तो तीनों सीरीज में हो गई मेन डिवीजन कैसे ज्ञात करेंगे डायरेक्ट मेथड से। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।